Hey everyone, welcome back. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत बंच में खिलने वाले फ्लावर की, जिसका नाम है एक्सोरा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेड कलर के फ्लावर्स में। तो हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे ग्रो करना है, किस तरह की केयर करनी है इसकी सनलाइट और वाटर रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी हम जानेंगे। एक्सोरा को आप और भी बहुत सारे नामों से जानते होंगे, इसको रुक्मणी नाम से भी जानते हैं, इसको फ्लेम ऑफ वुड्स और जंगल जरेनियम नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे कलर्स में आता है ये, रेड जैसा कि मेरे पास है रेड कलर और ऑरेंज कलर है मेरे पास, रेड कलर, येलो कलर, पिंक, कई सारे ब्राइट कलर्स में, ऑरेंज कलर में भी आता है ये। और इसके अलावा ये दो वेराइटीज़ में आता है, एक डुआफ साइज वेराइटी होती है और एक बुश वेराइटी होती है। मेरे पास दोनों ही प्लांट हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। ये रेड वेराइटी जो आप जिसमें फ्लावर देख रहे हैं, ये बुश है और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, करीब ये 3 साल पुराना प्लांट है। और ये है मेरी डुआफ साइज वेराइटी का प्लांट जो है ऑरेंज कलर में, आप देख सकते हैं ऑरेंज और थोड़ा सा रेडिश टेक्स्चर के साथ में। ये भी सिमिलर प्लांट है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डुआफ साइज है, मतलब ये बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है ग्रो हो करके, इतना ही बड़ा रहता है। अगर बात करें ये प्लांट बेसिकली कहाँ का है, तो ये है नेटिव श्रीलंका का, सदर्न इंडिया का और बांग्लादेश का, बट बहुत ही आसानी से ये नॉर्थ इंडिया में भी लग जाएगा, बाकी पार्ट में भी लग जाएगा। खास बात इस प्लांट की ये है कि इसका फ्लावर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है बंच में खिला हुआ, और ये फुटबॉल जैसा दिखता है। खास बात इसकी ये है कि जब ये एक बार खिलता है तो ये 4 से 5 वीक तक बना रहता है झड़ने के पहले, सूखने के पहले। तो मतलब जब आपका ये प्लांट फ्लावर देगा तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक वो प्लांट में बना रहेगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता रहेगा। दूसरी बात, इसको कटिंग से लगाना बहुत 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 आसान है, किसी भी वैरायटी, चाहे वो डुआफ वैरायटी हो चाहे ये बुश वैरायटी हो। और आप इसकी बस एक सेमी वुड कटिंग लेकर के आएँ, अगर आपको कहीं मिलता है तो उसको आप 2-4 लीव्स के साथ लाएं ताकि नोड्स उसमें रहें, जहाँ से नई लीव्स निकलेंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी। उसको आराम से आप किसी भी तरह की सॉइल में उसकी कटिंग डाल दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पेशल पॉटिंग मिक्स तैयार करना हो आपको, कटिंग डाल दें अपने नॉर्मल गार्डन सॉइल में और 1 महीने में आपको उसमें रूट्स डेवलप होती दिख जाएंगी। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर आप सोच रहे हैं इसमें फ्लावर्स कैसे पाएँ, ज़्यादा फ्लावर्स कैसे मिलें, तो उसके लिए आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। इसको प्रून करके आप डेंस बनाते रहें। प्रूनिंग से होता क्या है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर आप ऊपर की ब्रांच को कट करते जाएंगे तो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से बहुत सारी और बाकी के आसपास के नोड्स से बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलती हैं। नई ब्रांचेस का मतलब है ज़्यादा कलियाँ निकलेंगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो किसी भी प्लांट में ज़्यादा फ्लावर पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी प्रूनिंग करना, रेगुलर प्रूनिंग करते रहें उसमें, जिससे वो प्लांट आपका बुशी दिखेगा, डेंस दिखेगा और ढेर सारे फ्लावर्स भी मिलेंगे आपको उसमें। इस प्लांट में फ्लावरिंग ऑलमोस्ट राउंड द ईयर होती है, लेकिन ये हैवीली ब्लूम करता है समर्स और मानसून में, विंटर्स में भी इसमें फ्लावर्स आते हैं, ऑन एंड ऑफ लगभग ये साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये तो हमने बता दिया कि आप इसको एक बार अपने गार्डन में लगाएं और साल भर फ्लावर्स पाएं। दूसरी बात हम आप करते हैं कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स और सनलाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो ये प्लांट फुल सनलाइट से लेके पार्शियल शेड में भी बहुत आसानी से ग्रो करता है और फ्लावर्स भी देता है। यूजली जो प्लांट्स फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं, फ्लावर्स देते हैं, वो पार्शियल शेड में नहीं देते हैं फ्लावर्स। वो ग्रो तो करेंगे, लीव्स उसकी लश ग्रीन वैक्सी शाइनी दिखेगी, लेकिन फ्लावर्स नहीं होते हैं। लेकिन इस प्लांट की ये बहुत ही कमाल की बात है, पार्शियल शेड में भी ये उतने ही फ्लावर्स देते हैं। पार्शियल शेड की अगर हम बात करें तो पार्शियल शेड का मतलब है प्लांट को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, छनी हुई धूप भी चलेगी, और अगर डायरेक्ट धूप मिलती है 3 घंटे की तो भी ठीक है, बट समहाउ से धूप मिलनी चाहिए, बिल्कुल शेड में ना हो प्लांट। अब बात कर लेते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स की। ये प्लांट आप ऐसी जगह ग्रो करें, ऐसी सॉइल में ग्रो करें, चाहे पॉट में ग्रो करें, चाहे ज़मीन में ग्रो करें, जिसकी सॉइल वेल ड्रेनेज सॉइल हो, मतलब पानी इकट्ठा ना होने पाए उस सॉइल में,
पॉट में भी अच्छे से ड्रेनेज होल्स बने हों ताकि एक्सेस वाटर जो भी है वो निकल जाए। लेकिन इस प्लांट को पानी बहुत पसंद है, मतलब इसमें आप अगर एक्स्ट्रा पानी भी डालते रहेंगे तो रूट रॉट के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे फर्न्स में हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी वो सड़ते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं, उसी तरीके से इस प्लांट का भी है। इसको थोड़ा एक्सेस वाटर भी चल जाएगा लेकिन पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए पॉट में। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, जो है पेस्ट अटैक। तो ये प्लांट मेरे पास करीब 3 साल से ऊपर हो गया है ग्रो किए हुए, और मैंने बहुत ही कम बार देखा है इसमें पेस्ट अटैक। जो देखा भी है तो इसमें मिली बग्स का अटैक देखा है मैंने। मिली बग्स जो वाइट कलर के कीड़े होते हैं, आपने हिबिस्कस के प्लांट में देखे होंगे सेम। तो उसके लिए मैं सबसे पहला यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप किसी भी प्लांट में मीली बग का अटैक देखें तो सबसे पहले कोशिश करें अफेक्टेड लीव्स और स्टेम को कट करके अलग करें। उसके बाद उस पर सोपी वाटर सॉल्यूशन, सोपी वाटर के साथ में आप उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डाल दें, उसमें मिक्स करके उसको अच्छे से स्प्रे करें प्लांट में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास एक्सोरा रुकमणी प्लांट के बारे में। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ मैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।